कितना सर 2,00,000 करोड़ का बदले में देखा है गीता माता गीता माता का वो अनमोल है लेकिन उनको समझ में आए जब ना लेकिन समझदार प्रधानमंत्री ने 2,00,000 करोड़ का लोन ले लिया है बदले में देखा है गीता माता 50 साल का लोन है 50 साल में जब वो लोन नहीं पहुंचेगा तो गीता माता के खोल के देखेंगे क्या लाए क्यों फिर चिंता करते जो आज तुम्हारा है अगर किसी और का हो जाएगा मिल के घर तालियां हो जाएगा एक प्रार्थना करना चाहता हूं आप लोगों से उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी जिसमें पकड़ी सिपाही थी अब घर हो जाता था दोनों जगह डुबाई थी सीधा सा मतलब ये है कि तबाही थी तीन दिन हो गए बट आप कौन थी मैं कहीं ना कहीं कैंसर लेके
लोग टेंशन में जी रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। किस बात की टेंशन? हमारे यहाँ का बच्चा को टेंशन नहीं लेता, वो एक रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने कहा देखो तेरे रिजल्ट आया तो तू मैं VIP लोगों में घिरा रहता हूँ, तू अपना रिजल्ट ओपन मत करियो, इशारों में बताइए। बोला पापा इशारा कैसा? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कहते जैसे भी काम, दो में फेल हो जाए कहते राधा कृष्ण, तीन में फेल हो जाए कहते ब्रह्मा विष्णु महेश, रिजल्ट ओपन मत करियो। बच्चा बोला ठीक, 2 बजे बच्चे का रिजल्ट आया, पापा के मीटिंग चल रही, पापा ने दूसरे इशारा करा, बेटा रिजल्ट कटा हुआ। बच्चा हमारे का बोला पापा सांचे दरबार की, जीरो का साथ कोई नहीं, ये है हमारा गया। यहाँ की मस्ती लगा हुए बुढ़िया अपने तोते पर से उछाल उछाल के प्यार करती, रंगला लाल रंगला चंदा चंदा आते सुखते नीचे, अब आपके का शरीर था क्यों उछाल रही थी बच्चे वैसे प्यार करने के लिए क्यों उछाल दिया, रंगला लाल रंगला चंदा चंदा आते सुखते नीचे गिर गया, उसके लग गई चोट। अब बहू आई कलयुग की, बहू कलयुग की सास से कहने बात की डालनी चाहिए, बहू क्या बोली सास से, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद तू मेरे बेटे का Yeah।
ताकि ना कॉलेज छोड़ने से मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक कक्षा में कई कई और कई बच्चों को रिश्तेदार स्कूल में छुड़वा दिया। राकेश शेखर जी की शादी स्कूल से हुई है, छठी में पढ़ता था वो साइकिल ढीक हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक कक्षा में कई वर्ष लगाते थे, कई बच्चों को रिश्तेदार स्कूल में छुड़वा देते थे, और भाई साहब कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वहीं पढ़े रहते, शाम मास्टर रिटायर हो जाया। और जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते, कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं इतना ही याद देना, जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए। आप आई भी चेक करता हूं, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के विजेता बन गए। घर आंगन आधार हमारे बाबू जी, कर
करते सबसे प्यार हमारे पुस्तक काफी खेल खिलौना है उनसे। अर्चना जी पुस्तक काफी खेल खिलौना है उनसे घर के पालन हार मेरी खांसी तक पर रातों को जागे मेरी खांसी तक पर रातों को जागे मेरी कर्ण पुकार हमारे बाबू जी। दादा दादी की लाठी है चश्मा है मधुकर साहब। दादा दादी की लाठी है चश्मा है लगते स्वर्ण कुम्हार हमारे बाबू जी। गुफा जी मेरे गुफा बैठे भाई तालियां बजाओ इनके लिए। दादा दादी की लाठी चश्मा है लगते स्वर्ण कुमार हमारे बाबू जी। अम्मा उनसे जब खटपट खटपट करती मुस्काते हर बार हमारे बाबू जी। मौन ही साधे रहते हैं अक्सर देखा मौन ही साधे रहते हैं अक्सर देखा पर भीतर चित्कार टूटे जूते फटी जुराबे पैरों में टूटे जूते फटी जुराबे पैरों में बच्चों की सरकार हमारे बाबू जी। उनके कांधे से दुनिया को देखा है उनके कांधे से दुनिया को देखा है मेरा तो संसार बाबू जी। मेरा चेहरा पढ़ना उनको आता है ये आपने जो गीत बनाया ना जी बाबू जी बड़े टॉमी से हम दोनों अनिल जी और हमारे ये उस दिन रचने उस दिन आपने अभी एक बहुत बढ़िया अपने मकान के मुहूर्त पर एक गीत लॉन्च किया अपने पिता के ऊपर पहले दिन ही 10,00,000 लोगों ने देखा म्यूजिक तैयार किया और जबरदस्त हिट गया एक्टिंग तो आपने कमाल कर दिया भाई साहब उसी दिन उस गीत से प्रेरित होकर मैं लिख रहा हूँ आपका समर्पित करता हूँ आखिर दो सेर सुनिए मेरा मेरा चेहरा पढ़ना उनको आता है अनुभव के अंबार हमारे बाबूजी। और आखिरी के दो पंक्तियां सुनिएगा खेत बेचकर बहना के हाथों मेहंदी मथुराम जी खेत बेचकर बहना के हाथों मेहंदी कर्जा और उधार हमारे दोस्तों 5:15 का समय होगा मेरा मन है कि हम 6 बजे इस गोष्ठी को बिल्कुल वाइंड अप कर दें। अगर आप और चलाना चाहते हो तो मेरा तो ऊपर ही घर है 12 बजे चला तो आप ये देखो क्या 6 बजे तक चलाई जाए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी गोष्ठी किसी के लिए भी कोई काम बोझ ना हो। जहाँ रहो 100% रहो जिसे जाना है वो जाएगा जिसे रहना है वो यहाँ पर रहेगा लेकिन ऐसा ना हो कि गोष्ठी एक बोझ बन जाए। अगर ये गोष्ठियां भी बोझ बनने लगी तो हम आगे भविष्य में करेंगे क्या हमें ये समझ में नहीं आता जिस काम से हमें शोहरत दौलत पैसा सब कुछ मिलता है वो हमारे लिए इतनी आवश्यक क्यों नहीं है। अगर वो आवश्यक है और आप बैठो तो इस गोष्ठी को कब तक चला जाए मुझे बताओ तो मैं उसी हिसाब से इसका इसका फॉर्मेट बनाऊं सवा 6 तक आप बताओ एक बार आवाज दे 6 बजे तक चलाते हैं ऐसा नहीं है 15 मिनट तो लास्ट का लगेगा हमको चाय वगैरह लेने में और 15 मिनट का स्वागत हमारे पास केवल 13 मिनट बाकी है। 13 मिनट में अपन 10 लोग कविता पाठ करेंगे और 1-1 मिनट की करेंगे। अब ये देखो 1 मिनट कौन कर सकता है वो हाथ खड़े करे जिसे ऐसा ना हो नाराज होकर चले जाए यार मेरा नंबर आया मैं बड़ी दूर से आया था मैंने करेंगे और इसमें भी जरूर नहीं हाथ खड़े करने वाले का नंबर आवे आवे एक बार हाथ खड़ा करे जिसको कविता पाठ कर रही है क्योंकि मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ। उर्मिल जी है हमारे वो है आप पढ़ेंगे ये थे बनी पड़ेगा और कौन पड़ेगा 4 लोग अनिंदर भाई 5 चलो 6 लोग हो गए हमारे 6 लोग दोस्तों ये आपका वादा है आप
दो मिनट से ज्यादा कविता नहीं पढ़ेंगे, आप मुक्तक पढ़ो, छंद पढ़ो, कविता पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन घड़ी देख के दो मिनट का कविता पाठ होगा, बिना किसी भूमिका के, बिना अपने को छंद और मुक्तक सुनाइए, आपको सिर्फ आवाज देगी और आप आओगे, क्योंकि समय की सीमा है और समय जो है वो मनीष भाई भी उसको ये ढाई मिनट बहुत काम किए, 50 मिनट बचाएंगे। तो एक बार सबसे पहले मैं हेमंत को आमंत्रित करता हूँ, हेमंत भाई आओ, दो मिनट की अपनी कविता सुनाओ। एक बार राजेश भाई को हमारे साहित्य सम्मान का मुख्य सलाहकार के रूप